कौन कहता है कि चमत्कार केवल प्राचीन युग में ही होते थे? आज भी दुनिया में विभिन्न क्षेत्रों में बसे लोग इस चमत्कार नामक शक्ति को महसूस करते हैं। इन्हीं चमत्कारों में से एक है भगवान बजरंग बली यानी कि हनुमान जी का दिखना। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सात महामानव पिछले कई हजार वर्षों से आज भी जीवित हैं। उन्हीं में से एक है भगवान हनुमान जी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी भगवान हनुमान जी को मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों माना जाता है कि हनुमान जी इस कलयुग के अंत तक अपने शरीर में ही रहेंगे। वे आज भी धरती पर उपस्थित हैं, लेकिन कहाँ हैं ये कोई नहीं जानता। पवन पुत्र हनुमान के बारे में कहा जाता है कि वो अमर हैं। रामायण काल में जन्मे हनुमान सैकड़ों साल बाद महाभारत काल में भी जिंदा थे। कहा जाता है कि महाभारत की लड़ाई से पहले हनुमान जी पांडवों से मिलने आए थे। महाभारत की लड़ाई के सैकड़ों साल बाद आज के डिजिटल युग में भी हनुमान जी के जिंदा होने की खबर आती रही है। बताया जा रहा है कि श्रीलंका के जंगलों में हनुमान जी की मौजूदगी के संकेत मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका के जंगलों में कुछ ऐसे कबीलाई लोगों का पता चला है जिनसे मिलने हनुमान जी आते हैं। इन जनजातियों पर अध्ययन करने वाले आध्यात्मिक संगठन सेतु के हवाले से ये सनसनीखेज खुलासा किया गया है। कहा जाता है कि हनुमान जी इस साल हाल ही में इस जनजाति के लोगों से मिलने आए थे। इसके बाद वो 41 साल बाद यानी 2055 में वापस आएंगे। इस जनजाति के लोगों को मातंग नाम दिया गया है। इनकी तादाद काफी कम है और ये श्रीलंका के अन्य कबीलों से काफी अलग हैं। सेतु के मुताबिक इस कबीले का इतिहास रामायण काल से जुड़ा है। हनुमान जी को वरदान मिला था कि उनकी मृत्यु नहीं होगी यानी वो चिरंजीवी रहेंगे। भगवान राम के स्वर्ग से धारने के बाद हनुमान जी अयोध्या से लौटकर दक्षिण भारत के जंगलों में लौट आए। उसके बाद उन्होंने फिर से समुद्र लांघा और श्रीलंका पहुंच गए। उस समय हनुमान जी जब श्रीलंका के जंगलों में रहे, इस कबीले के लोगों ने उनकी सेवा की। हनुमान जी ने इस कबीले के लोगों को ब्रह्म ज्ञान का बोध कराया। उन्होंने ये भी वादा किया कि वे हर 41 साल बाद इस कबीले की पीढ़ियों को ब्रह्म ज्ञान देने आएंगे। हनुमान जी जब इस कबीले के साथ रहते थे, कबीले का मुखिया हर बातचीत और घटना को एक लॉग बुक में दर्ज कराता था। सेतु इस लॉग बुक का अध्ययन कर रहा है और इसका आधुनिक भाषाओं में अनुवाद करा रहा है। सेतु ने इस लॉग बुक का पहला चैप्टर अपनी वेबसाइट पे पोस्ट किया है। इस चैप्टर के जरिए खुलासा हुआ है कि किस तरह हनुमान जी कुछ समय पहले श्रीलंका के इस जंगल में आए थे। 27 मई 2014 हनुमान जी का इस जंगल में बिताया आखिरी दिन था। तो दोस्तों, अगर आप भी भगवान हनुमान जी को मानते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जय हनुमान जी लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। और जाते जाते एक और बात, अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर कर दीजिएगा।